नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज 27 अक्टूबर, चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। यूको बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 91 पदों पर निकाली गई रिक्तियां। यूको बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 91 पदों पर भर्तियां निकाली है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार 27 अक्टूबर से आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू होगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार यूको बैंक की आधिकारिक वेबसाइट www.yukobank.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। साथ ही अब अपने फीस के भुगतान भी 17 नवंबर 2020 तक करवा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया इंटरव्यू के आधार पर की जाएगी। इंटरव्यू में मार्क्स के आधार पर चयन की फाइनल सूची बनाई जाएगी। राजधानी के पर्यटन स्थल में संजय गांधी जैविक उद्यान में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। संजय गांधी जैविक उद्यान भारत के 16 सबसे बड़े चिड़ियाघरों में से एक है और इसे 1973 में बनाया गया था। यह चिड़ियाघर संजय गांधी वनस्पति और प्राणी उद्यान या पटना चिड़ियाघर के रूप में भी प्रसिद्ध है और पटना के शीर्ष पर्यटक आकर्षकों में से एक है। 6,18,966 वर्ग के क्षेत्र में फैले इस चिड़ियाघर में लगभग 110 प्रजातियों के 800 जानवर हैं। उनकी प्रकृति के अनुसार जानवरों को विभिन्न कमरों में रखा गया है। आगंतुकों को अधिक बाघ, तेंदुए, गीदड़, ब्लैक बक्स, हाथी, हिमालयन काले भालू, जेब्रा और जिराफ देखने को मिलते हैं। दिवाली पर घर जाने वालों को रेलवे ने दिया बड़ा तोहफा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रेलवे ने त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बढ़ते डिमांड को देखते हुए 46 स्पेशल ट्रेन के परिचालन का ऐलान कर दिया है। कोरोना को ध्यान में रखते हुए मार्च से ही ट्रेनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि अब सीमित संख्या में ट्रेनों का परिचालन करवाया जा रहा है। हालांकि त्योहारों के मौसम में ट्रेनों की बढ़ती मांग को देखते हुए अब रेलवे ने नए स्पेशल ट्रेन के परिचालन की अनुमति दे दी है, जिसकी पूरी सूची रेलवे की तरफ से साझा की गई है। ब्रजगृह और मतदान केंद्र का निर्माण कार्य हुआ पूरा। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मतदान की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाए जाने के लिए चुनाव आयोग पूरी सतर्कता के साथ काम कर रहा है। वहीं मतगणना को ध्यान में रखते हुए राजधानी पटना के एएन कॉलेज में ब्रजगृह बनाने का काम पूरा कर लिया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी पटना कुमार रवि ने पटना के एएन कॉलेज स्थित ब्रजगृह में सुचारू एवं सुदृढ़ व्यवस्था के तहत ईवीएम, वीवीपैट समेत अन्य दस्तावेजों को रिसीव करने और ब्रजगृह में रखने हेतु संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों की ब्रीफिंग की। इसके साथ ही इस दौरान उन्होंने सेंटर पर बनाए गए काउंटर एवं प्रतिनियुक्त कर्मियों साथ ही उनके कामों के बारे में भी जानकारी दी। बिहार में कोरोना प्रभावितों के मिले कम मामले। बिहार में प्रभावितों के ग्राफ में गिरावट देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 513 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,12,705 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 2, अरवल में 3, औरंगाबाद में 15, बांका में 2, बेगूसराय में 2, भागलपुर में 12, भोजपुर में 7, बक्सर में 5, दरभंगा में 2, पूर्वी चंपारण में 11, गया में 36, गोपालगंज में 11, जमुई में 4, जहानाबाद में 12, कैमूर में 3, कटिहार में 4, खगड़िया में 4, किशनगंज में 12, लखीसराय में 2, मधेपुरा में 14, मधुबनी में 7, मुंगेर में 9, मुजफ्फरपुर में 22, नालंदा में 10, नवादा में 56, पटना में 142, पूर्णिया में 31, सहरसा में 21, समस्तीपुर में 1, सारण में 7, शेखपुरा में 5, सीतामढ़ी में 4, सिवान में 9, सुपौल में 3, वैशाली में 5, पश्चिम चंपारण में 16 मामले मिले हैं। वहीं ठीक होने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार कुल मिलाकर 2,02,007 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 1,058 लोगों की जान जा चुकी है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे सत्यपाल चंद्रा की। सत्यपाल चंद्रा का जन्म 1 नवंबर 1987 को बिहार के गया जिले में हुआ था। सत्यपाल चंद्र एक भारतीय लेखक और उद्यमी हैं। वो मैगटैप टेक्नोलॉजीज और आउटलैंडर्स मीडिया के संस्थापक हैं। उन्होंने विभिन्न विधाओं के उपन्यास भी लिखे हैं। उनका पहला उपन्यास द मोस्ट एलिजिबल बैचलर साल 2011 में प्रकाशित हुआ। पुस्तक सांप्रदायिक युवा संघर्ष और उद्यमशीलता के बारे में है। इसके बाद उसी साल उनकी दूसरी पुस्तक गोल्डन एंजल एंड द डार्कनेस ऑफ मिडनाइट डायमंड बुक्स में प्रकाशित हुई। वहीं साल 2012 में उन्होंने 6 उपन्यास प्रकाशित किए हैं। NIA में इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर के पदों पर निकाली गई रिक्तियां। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अहम सूचना। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के 89 पदों पर बहाली निकाली है, जिसके लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 8 नवंबर 2020 के पहले आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य कर दिया गया है। NIA ने हालांकि यह भी साफ कर दिया है कि अलग अलग पदों के लिए अनुभव के अनुसार सैलरी तय की गई है।
पहले चरण के चुनाव के लिए थमा प्रचार प्रसार। पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार प्रसार को रोक दिया गया है। सभी पार्टियों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पहले चरण के चुनाव प्रचार का बीते दिन आखिरी दिन था। ऐसे में बीते दिन ही बड़ी रैलियों पर रोक लगा दी गई है, जिसके बाद कल पहले चरण के 71 सीटों पर मतदान डाले जाएंगे। आपको बता दें कि कल से शुरू होने वाले चुनाव के लिए मतदान केंद्रों पर व्यवस्था सुचारू ढंग से पूरी की जा चुकी है। कोरोना के माहौल में चुनाव का आयोजन करवाना चुनाव आयोग के लिए भी चुनौतीपूर्ण बन गया है। सैनिटाइजेशन की तमाम व्यवस्था भी की गई है ताकि कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। वोटरों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। बिहार चुनाव के पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को होने वाला है, वहीं इसको लेकर तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। हालांकि सबसे बड़ी परेशानी चुनाव आयोग को यह है, क्योंकि आयोग के सामने सभी मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लेकर आना है। ऐसे में चुनाव आयोग हर संभव कोशिश करके मतदाताओं के मन में बन रही हर आशंका को दूर करने की पहल में जुट गया है। इसी क्रम में आयोग ने मतदान के लिए मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है, जिसके तहत अब कोई भी मतदाता 1950 या फिर जारी किए गए PWD ऐप पर जाकर जानकारी ले सकता है। कल एक बार फिर से राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी की होगी रैली। जहां एक तरफ कल से बिहार विधानसभा चुनाव की किस्मत के फैसले की शुरुआत हो जाएगी, वहीं पहले चरण के चुनाव के दौरान ही दो दिग्गज पार्टी के वरिष्ठ स्टार प्रचारक अपनी जनसभा का संबोधन करने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी कल फिर से जनसभा का संबोधन करने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार कल कांग्रेस नेता वाल्मीकि नगर समेत अन्य 9 विधानसभाओं को भी संबोधित करने वाले हैं। इसके बाद दोपहर बाद वो कुशेश्वर स्थान में जनसभा करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की 3 जनसभाओं का आयोजन होना है, जिसमें दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना के वेटरनरी ग्राउंड का नाम शामिल है। चुनावी तैयारियों का जायजा लेने हाजीपुर पहुंची चुनाव आयोग की टीम। वैशाली जिले में चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आयोग की टीम बीते दिन हाजीपुर जिले में दिखी। मिली जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग की टीम ने वैशाली पहुंचकर विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही समाहरणालय में जिलाधिकारी समेत चुनाव से संबंधित पदाधिकारियों के साथ टीम के अधिकारियों ने समीक्षा बैठक भी की। इसके साथ ही इस अवसर पर मतदान जागरूकता के लिए समाहरणालय सभा कक्ष के बाहर रंगोली भी बनाई गई। साथ ही सभी वोटरों के लिए सेल्फी प्वाइंट की भी व्यवस्था की गई थी। बहुत दिनों बाद बिहार के 2 जिले में नहीं मिला एक भी कोरोना प्रभावित। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है। जहां पिछले 2 दिनों में 1000 से कम मामले दर्ज किए जा रहे हैं, वहीं बिहारवासियों के लिए राहत की खबर सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार के 2 जिले रोहतास और शिवहर में एक भी मामले सामने नहीं आए। वहीं कुछ ऐसे भी जिले हैं जहां बाकी जिलों के मुकाबले अभी भी काफी ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें राजधानी पटना का नाम शामिल है। बीते दिन पटना में कुल मिलाकर 142 नए मामले दर्ज किए गए हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी ने एनडीए सरकार को बताया मालगाड़ी की सरकार। जहां अब तक चुनावी गलियारे में नीतीश और मोदी सरकार को डबल इंजन की सरकार के नाम से संबोधित किया जाता था, वहीं अब पुष्पम प्रिया चौधरी ने एनडीए सरकार को नया नाम देते हुए मालगाड़ी की सरकार नाम दिया है। पुष्पम प्रिया चौधरी ने इस बाबत ट्वीट जारी करते हुए कहा कि डबल इंजन क्या, यह सरकार तो पूरी मालगाड़ी निकली। प्रिय मतदाता, प्लूरल्स के उम्मीदवारों, आपको पैसा साड़ी नहीं दे पाएंगे, वो मेरे बदले सिर्फ यह वचन दे पाएंगे कि सरकार बनने के बाद आपको एक इज्जतदार नौकरी का वेतन हर महीने मिलेगा, जिससे आप सब खरीद पाएंगे और गर्व से सर ऊंचा कर जिएंगे। प्रचार के आखिरी दिन गरजे नीतीश। बिहार विधानसभा की शुरुआत में बस कुछ ही समय बचा रह गया, वहीं बीते दिन से चुनाव प्रचार भी संपूर्ण रूप से रोक दिया गया है। इसी बीच प्रचार प्रसार के आखिरी दिन नीतीश कुमार ने एक के बाद एक जनसभाओं का संबोधन किया, जिसके तहत जनसभा की शुरुआत उन्होंने वैशाली के जंदाहा से की, जहां उन्होंने कहा कि विपक्ष जो इतनी बयानबाजी कर रहे हैं, पहले वो यह बताएं कि रघुवंश बाबू के साथ उन्होंने कैसा व्यवहार किया। सत्ता के लिए समाज से भिड़ने वाले लोगों ने उनकी कदर नहीं की। वहीं लखीसराय की रैली में आयोजित जनसभा में उन्होंने कहा कि धंधेबाज मुझे सत्ता से हटाने की साजिश कर रहे हैं, शायद इसलिए सरकार के फैसलों का विरोध करते रहते हैं। तेजस्वी यादव ने दिया नया नारा। बीते दिन तेजस्वी यादव ने अपनी जनसभा के दौरान नया नारा दिया है। हसनपुर की धरती से अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के लिए वोट की अपील करने पहुंचे तेजस्वी यादव ने अब नया चुनावी नारा दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा चुपचाप लालटेन छाप, यही नारा सबके जुबान पर होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हसनपुर की जनता को विकास चाहिए तो तेज प्रताप को जिताइए। उन्होंने आगे कहा कि हाथ उठा के बताओ कितने लोग बेरोजगार हैं, सरकार ने युवाओं के साथ बहुत गलत किया है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि आप समझिए कि यहां से तेज प्रताप नहीं बल्कि लालू यादव जी चुनावी मैदान में उतरे हैं।
सोशल मीडिया पर बेरोजगारी के मुद्दे पर एक दूसरे से भिड़ी राजद और भाजपा। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हुई नजर आ रही थी। इसी क्रम में राजद और भाजपा भी सोशल मीडिया पर एक दूसरे से भिड़ते नजर आए, जिसके बाद ट्विटर पर खूब चर्चे हो रहे हैं। राजद ने जहां ट्वीट करके एनडीए के 15 साल के शासन को निशाने पर लिया, वहीं बेरोजगारी की समस्या को लेकर एनडीए ने भी सवाल पूछे। राजद ने लिखा कि पिछले 47 सालों में देश में बेरोजगारी की समस्या 3-4 साल में सर्वाधिक क्यों है, आज बेरोजगारी दर 46.6% क्यों है, जिस पर भाजपा ने जवाब दिया और लिखा कि डेटा हमेशा अपडेट होता है और सवाल पूछने से पहले पढ़ाई आवश्यक होती है। आज बेरोजगारी दर घटकर 11.9% हो चुकी है, लेकिन आप ये जनता को नहीं बताएंगे क्योंकि गलतियां और गुनाहों को छिपाने में आप माहिर हैं। प्याज की माला लेकर घूम रहे तेजस्वी पर भाजपा ने कसा तंज। बिहार में लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है, वहीं पहले चरण के लिए मतदान कल करवाए जाएंगे। इसके साथ ही वाद विवाद की राजनीति भी लगातार जारी है। इसी क्रम में महंगाई का मुद्दा उठाते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव प्याज का माला पहने नजर आए थे, जिस पर भाजपा ने चुटकी ली। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी की बेवकूफी की वजह से राष्ट्रीय जनता दल का बिहार में बुरा हाल हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि तेजस्वी यादव सौभाग्यशाली हैं कि वो अपने लिए खुद माला लेकर घूमते हैं। 10 तारीख को चुनाव परिणाम आने के बाद उन्हें खुद माला पहननी पड़ सकती है। पप्पू यादव ने सरकार बनने पर निजी क्षेत्र में आरक्षण का प्रावधान लागू करने की कही बात। चुनावी माहौल में नेताओं की तरफ से घोषणा और वादों का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में जा प्रमुख पप्पू यादव ने अब तक कई वादे कर दिए हैं। इसी क्रम में उन्होंने बीते दिन एक बार फिर से चुनावी वादा किया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरक्षण विरोधी है, लेकिन अगर हम सत्ता में आए तो इसे खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। वर्तमान समय में सभी सरकारी कंपनियों का निजीकरण किया जा रहा है, इससे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर समाप्त हो गए हैं। अगर हमारी सरकार बनी तो निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लाएंगे। राजद के लिए चुनाव प्रचार करने मैदान में उतरी भोजपुरी एक्ट्रेस अंजना सिंह। भले ही बीते दिन प्रचार प्रसार का सिलसिला रुक गया है, मगर सभी पार्टियां प्रचार के आखिरी दिन अपना दमखम झोंकती नजर आई। इसी क्रम में राजद की तरफ से वोट मांगने के लिए मैदान में भोजपुरी एक्ट्रेस अंजना सिंह भी देखने को मिली, जिसके बाद उन्होंने राजद के लिए प्रचार करने के बाद अपनी प्रतिक्रिया भी साझा की, जिसके तहत उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने हमेशा राजद को प्यार दिया है, जनता से अच्छा रिस्पॉन्स मिला। राजद एक अच्छी और काफी पुरानी पार्टी है, जनता इससे जुड़ी हुई है। वहीं बिहार की वर्तमान सरकार को निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बोलने करने और दिखने में काफी फर्क होता है। हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए काम किया है, ये तो जब उन 50% महिलाओं से बात करेंगे तभी पता चलेगा नीतीश कुमार ने क्या काम किया है और जनता को इससे कितना लाभ मिला है, इसका जवाब जनता ही देगी। उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बौखलाहट की कही बात। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के संयोजक उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि जदयू के मुखिया नीतीश कुमार बौखलाहट में बयानबाजी कर रहे हैं, उनकी सियासी जमीन पूरी तरह खिसक चुकी है। इतना ही नहीं, उन्होंने बोलते बोलते तेजस्वी यादव को भी निशाने पर लिया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव आज अपने किए का फल भुगत रहे हैं। लालू के पूरे परिवार पर मामले दर्ज है। जेपी नड्डा ने बिहार के विकास में एनडीए का बताया हाथ। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और सभी पार्टियां मैदान में उतरने के लिए तैयार है। हालांकि पहले चरण के प्रचार प्रसार को रोक दिया गया है। वहीं प्रचार प्रसार के आखिरी दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के विकास की चर्चा की। हालांकि विकास में उन्होंने सिर्फ एनडीए सरकार का हाथ बताया। पूर्णिया पहुंचे जेपी नड्डा ने बीते दिन अपने संबोधन में कहा कि बिहार में पहले कितना विकास था यहां की जनता सब जानती है, लेकिन जब से एनडीए की सरकार आई है तब से बिहार में विकास की तीव्र गति पकड़ी है। उन्होंने कहा कि आज बिहार में बेहतर सड़क, अस्पताल, शिक्षा आदि जन सुविधाएं हैं। एनडीए ने राज्य को एक नई पहचान दिलाई है। फ्लिपकार्ट की दिवाली सेल 29 अक्टूबर से होगी शुरू। त्योहारों के सीजन में खरीदारी जोर शोर से होती है और यही कारण है कि हर कोई सेल का बेसब्री से इंतजार भी करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए ई कॉमर्स वेबसाइट ऐसे समय में बम्पर सेल भी लेकर आती है, जहां वो सभी अपने यूजर को बेहतरीन डील ऑफर करते हैं। इन्हीं में से एक है फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल, जिसके बाद फ्लिपकार्ट का नया सेल शुरू होने वाला है। दिवाली का यह सेल 29 अक्टूबर से शुरू होने वाला है, जो 4 नवंबर तक जारी रहेगा। फ्लिपकार्ट बिग दिवाली सेल प्लस सदस्यों के लिए एक दिन पहले शुरू हो जाएगी। अमिताभ बच्चन के पिता के नाम पर पड़ा पोलैंड में एक स्क्वायर का नाम। अमिताभ बच्चन काफी ज्यादा भावुक नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके पिता के नाम पर हाल ही में पोलैंड में एक स्क्वायर का नाम रखा गया है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद साझा की है। फोटो शेयर करते हुए अमिताभ बच्चन ने लिखा, व्रोकला शहर की सिटी काउंसिल पोलैंड ने एक स्क्वायर का नाम मेरे पिता के नाम पर रखने का फैसला किया है। दशहरा पर यह एक आशीर्वाद की तरफ से है मेरे परिवार के लिए, व्रोकला के भारतीयों के लिए और भारत के लिए यह एक गर्व का क्षण है। जय हिंद। इस पोस्ट पर कई अभिनेता और अभिनेत्रियों ने भी खुशी का इजहार करते हुए कमेंट किया है और अमिताभ बच्चन को खूब सारी शुभकामनाएं दी है।
युवराज और कोहली को पीछे छोड़ नया रिकॉर्ड बनाया हार्दिक पांड्या ने। आईपीएल के 13वें संस्करण में जहां मुंबई की टीम को राजस्थान रॉयल्स की टीम से 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था, वहीं मुंबई की टीम ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या ने शानदार पारी खेली थी, जहां उन्होंने नाबाद 60 रनों की पारी खेली जिसमें उन्होंने 7 लंबे छक्के लगाए। उन्होंने पारी के 18वें ओवर में तेज गेंदबाज अंकित राजपूत के ओवर में 4 सिक्स लगाए। यह लगातार दूसरी बार है जब पांड्या ने एक ओवर में 4 छक्के लगाए हैं और वो आईपीएल में ऐसा करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने युवराज सिंह और विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया है। इन दोनों ही खिलाड़ियों ने ऐसा खेल सिर्फ एक ही ओवर में दिखाया है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 26 अक्टूबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,060 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 51,060 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 61,800 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 83.82 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 76.10 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है विकी कुमार, सैयद हुसैन, नीरज कुमार, संदीप कुमार, चंदन कुमार, मोहम्मद मुख्तार, बिरजू कुमार, अफजल जमाल, पिंटू कुमार सिन्हा, विवेक कुमार, संतोष कुमार, विपुल तिवारी, सुभाष कुमार, संजय जायसवाल, शैलेश कुमार, अमित कुमार सिंह। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में अब तक सबसे सफल मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।